जी हाँ दोस्तों, अगर आपने RDBB यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और RDBB यूनिवर्सिटी में जो ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं जून जुलाई में, और उन जून जुलाई में परीक्षाएं होने की अगर आपने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो दोस्तों अब आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने सेकंड सेम में लिया है तो भी इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसकी भी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में आपको बताता जाऊँगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अगर आपने दोस्तों MA, MCOM, MSc हो गया दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आगे लिखा गया है MA, और दोस्तों अगर आपने यहाँ पर लिखा गया है MCOM के स्टूडेंट हैं, यानी कि MA, MCOM, MSc के अगर आप स्टूडेंट हैं या आप किसी भी कोर्सेज के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, रेगुलर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जो परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख रखी गई थी उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब कितना संशोधन किया गया है वो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है, पहले 17 जून को जो स्टार्ट कर दिए गए थे फॉर्म, अब दोस्तों 17 जून से 5 जुलाई कर दी गई है। यानी कि दोस्तों आप 5 जुलाई तक अपने परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 5 जुलाई तक। सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं वो 5 जुलाई तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कितनी फीस रहने वाली है, फीस के यहाँ पर बारे में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कितनी फीस रहने वाली है। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि स्नातकोत्तर के MA, MCOM, MSc स्टूडेंट हैं, अगर आप और दोस्तों अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, MA, MCOM, MSc में प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, तो इनकी भी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। कितनी तारीख कर दी गई है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो 14 जून से लेकर 5 जुलाई तो इनकी भी लास्ट डेट 5 जुलाई कर दी गई है। तो दोस्तों, प्राइवेट के स्टूडेंट, पहले मैंने आपको रेगुलर के बारे में बताया था, अब दोस्तों हम प्राइवेट की देख रहे हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट की भी 5 जुलाई यहाँ पर कर दी गई है, और फीस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जारी किया गया है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि दोस्तों स्वाधायी परीक्षार्थियों के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया है BA, BCOM के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर BA, BCOM में लिया है, और MA, MSc, MCOM के भी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इनकी जो परीक्षा फॉर्म बनने की तारीख है इसकी भी आगे बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है? पहले दोस्तों इनकी लास्ट डेट 30 जून रखी गई थी, अब दोस्तों इनकी 15 जुलाई कर दी गई है। यहाँ पर इसकी दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कितनी कर दी गई है? 15 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर 15 जुलाई तक आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स की तरफ चलते हैं अब हम। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है BA, BCOM थर्ड ईयर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप BA, BCOM थर्ड ईयर प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों इनकी परीक्षा फॉर्म भरने की भी तारीख आगे बढ़ा दी गई। कितनी तारीख कर दी गई है? तो दोस्तों थर्ड ईयर की तारीख की गई है, बुक की गई है 5 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, आप के पास 5 जुलाई तक ही थर्ड ईयर के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लास्ट डेट कितनी की गई है? 15 जुलाई। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले 15 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करना पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करें, साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।